सो फाइनली गाइज, आज की वीडियो में सकली बात करने वाला हूँ वीवो Y75 मोबाइल के बारे में। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कैसे करेंगे। जेंस तो अगर चाहते कि आप इस मोबाइल में नोटिफिकेशन पर या इनकमिंग कॉल्स पर लाइट लगाना चाहते हैं तो आप इतने सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। सो गाइज, इनकमिंग लाइट का मतलब होता है कि अगर आपके मोबाइल पर जब भी कोई कॉल आएगा या कोई भी SMS आएगा तो आपके बॉर्डर पर जो होता है वो लाइट जने लगेगा, वो भी रंग बिरंगा। तो आपको कैसे लगाना होगा चलिए इस वीडियो में बता देता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो गाइज, इसको इनेबल करने के लिए हमें अपने मोबाइल के सेटिंग में आना होगा। तो मैं आ जाता हूँ मोबाइल के सेटिंग में। अब सेटिंग में आएंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पर आना होगा डायनेमिक इफेक्ट पर। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर मिलेगा एनहेंस डायनेमिक इफेक्ट मिलता है, फिर यहाँ पर एम्बिएंट लाइट इफेक्ट मिलता है। तो हमें एम्बिएंट लाइट इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑन स्क्रीन डिस्प्ले का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले द डायनेमिक इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशंस और कॉल्स व्हेन द स्क्रीन इज ऑन। तो अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो आपके मोबाइल पर जब भी कोई इनकमिंग कॉल्स आएगा या कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके मोबाइल पर लाइट बॉर्डर पर लाइट जाने लगेगा। तो कैसे करना होगा चलिए वीडियो में बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अभी मेरे देख यहाँ पर ऑफ है तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अब ऑन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का बहुत ही ऑप्शन आ जाएंगे। पहले दिया है यहाँ पर कस्टम टाइम, फिर यहाँ पर MBA इनकमिंग कॉल्स दिया। इनकमिंग कॉल्स में आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको इनेबल कर दिया हूँ। अब इनेबल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले दी MBA लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स। यहाँ पर देख रहा है कह रहा है कि आपके मोबाइल पर जब डायनेमिक इफेक्ट जब भी कोई कॉल आएगा इनकमिंग कॉल आएगा तो लाइट जो एम्बिएंट लाइट है वो ऑटोमेटिक जलने लगेगा। तो आपको इन लाइट कैसे जलेगा चलिए इसके ऊपर मैं दिखा देता हूँ। उसको दिखाने के लिए यहाँ पर लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, तो आपको यहाँ पर लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको बहुत सी ऑप्शन मिल रहा है। आप देख सकते हैं कोई भी कलर ले सकते हैं फिलहाल, तो यहाँ पर देख सकते हैं मुझे बहुत ही कलर मिला, आपको जो पसंद हो ले सकते हैं। आप कलर चेंज भी करना चाहेंगे तो कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं फिलहाल। तो मैं चलिए ये वाला कलर लेता हूँ। अब यहाँ पर लेने के बाद यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का भी एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी का आप उसको कम कर सकते हैं ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे लाइट होता है अब उसको ज़्यादा लाइट में चाहिए या कम लाइट में चाहिए इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर विद का एक ऑप्शन मिलता है तो आपको इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो यहाँ पर लाइट है उसको आप चौड़ा कर सकते हैं या नैरो कर सकते हैं। इसका मतलब होता है नैरो करना या वाइड करना, तो यहाँ पर फिलहाल कर सकते हैं। तो मैं चलिए इसको वाइड करके दिखाता हूँ। वाइड करने के लिए आपको यहाँ पर इसको इनेबल करना है। वाइड का मतलब होता है कि अगर आप उसको वाइड कर देते हैं तो आपके पूरा मोबाइल पर जो है चटक में मतलब यानी कि लंबा दिखाई देता है। अगर नैरो क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं पतला सा हल्का सा शो होगा। यहाँ पर मैं इसको वाइड करके रखता हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे, तो मैंने इसको यहाँ पर वाइड कर दिया। वाइड करने के बाद आपको इस पर अप्लाई कर देना है। अब यहाँ से अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब बैक आएंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन मिलता है। नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से अपने नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन ऐप्स यहाँ पर नोटिफिकेशन ऐप्स का एक ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करते हैं। आपको जिस एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन पर लाइट जाना चाहिए तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। आप जिस पर नहीं चाहते हैं तो यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑल ऐप्स पर किया हूँ। देख सकते हैं डिस्प्ले द एम्बिएंट लाइट फॉर ऑल नोटिफिकेशन फ्रॉम एनी ऐप्स। यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मेरा लाइट जो है वो जलने लगेगा। तो मैं यहाँ से इसको भी इनेबल कर लेता हूँ, इनेबल किया हूँ। फिर यहाँ पर आते हैं लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से कोई भी कलर यहाँ से भी ले सकते हैं फिलहाल। तो आपको जो पसंद है यहाँ से ले सकते हैं। देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं और भी कलर्स हैं यहाँ से देख सकते हैं। आपको अगर ये वाला चाहिए तो भी ले सकते हैं। इसको ड्यूरेशन भी आप बढ़ा सकते हैं, लॉन्ग करना चाहते हैं शॉर्ट करना चाहते हैं ड्यूरेशन को, तो यहाँ से इसको मैं चलिए नॉर्मल कर देता हूँ ताकि ना ज़्यादा लॉन्ग रहे ना ज़्यादा शॉर्ट रहे। तो मैंने इसको कर दिया हूँ फिलहाल यहाँ से अप्लाई। तो मैंने आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और विद का ऑप्शन पहले से बता दिया हूँ, तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं इसके कलर यहाँ से चेंज होता है यहाँ से। तो कोई भी कलर आपको जो पसंद हो यहाँ से कलर ले सकते हैं और यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ से मैं भी बैक आ जाता हूँ। और बैक आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक कस्टम टाइम का भी ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से इसको इनेबल कर लेंगे। इनेबल जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट टाइम का एक ऑप्शन मिलता है। आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर जब भी कोई इनकमिंग कॉल्स आए तो कब जले, तो यहाँ से सबसे पहले आपको इनकमिंग कॉल्स वाला ऑप्शन जो है यहाँ से इसको ऑफ कर देना है। अब यहाँ से ऑफ करने के बाद यहाँ से टाइम सेट कर देना है। टाइम सेट करने के बाद अगर चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर 9 बजे से एक हो, ये सुबह से 9 बजे से लेकर वो मैंने सुबह 9 बजे लगा दिया हूँ और फिर मेरा जो है रात को 2 बजे तक यहाँ से हो, तो इसमें कोई भी अभी इस बीच में कोई भी कॉल्स आएगा या नोटिफिकेशन आएगा तो इस बीच में तो यहाँ पर इनकमिंग कॉल्स जनरल लगेगा। तो इस तरीके से आप एकदम सिंपल तरीके से लगा सकते हैं यहाँ पर। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।